सेवा सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 तक महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन कक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से नगर निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण में उच्च स्थान पर लाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न बिंदुओं पर निर्देशित किया गया। कार्यशाला में साफ सफाई से लेकर कूड़े के निस्तारण, शौचालय के साफ सफाई सुदृढ़ ढंग से सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था सहित विभिन्न बातों पर चर्चा किया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण के स्थान पर सुधार करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि 4200 से ज़्यादा शहरों में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण के चुनाव में से प्रथम 50 में हम अपने शहर का नाम ला सकें। इसके अंतर्गत हम अस्पताल, मैरिज हॉल, प्रतिष्ठान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और विद्यालयों सहित अन्य स्थानों पर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। इस अवसर पर कार्यशाला में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार रंजन, कंप्यूटर ऑपरेटर जावेद, महाप्रबंधक जलकर प्रमोद कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग, कर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई सुपरवाइजर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, अंक मिलेंगे अगर ठीक से पालन करते हैं, 90% वार्ड में पालन करते हैं, 18 मिलेंगे, 75 से 50 मिलेंगे। इसका भी हमको MIS तारीख का MIS हमको 15 अक्टूबर तक इसलिए हम अपने रैंकिंग पिछली बार में 280 से तभी सुधार करते हैं कि जब हम वास्तविक तरीके से कार्य करें। हर पार्ट में आप देख रहे हैं प्रभावी 25% सेवा स्तर जो प्रगति है, मतलब जो कार्य हमने किया है उस सेवा स्तर में अगले साल की प्रगति हमने की, हमने सफाई किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम भी लोगों के उत्तर ला सकते हैं, चाहे चैनल है उस पर हम प्रचार प्रसार में कार्रवाई के बारे में तैनाती कर दी जाएगी। यही हम आपको अच्छा पुरस्कार तुरंत का तुरंत दे सकते हैं, प्रमाण पत्र दे देंगे जो आपके आगे काम रहेगा। भाई हम भी अपने घर आते हैं, एक प्रमाण पत्र मिलता है, आखिर नौकरी किसके लिए कर रहे हैं, समाज सेवा है, साथ साथ अपना परिवार भी है। आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए कार्यशाला का आयोजन नगर निगम सदन हाल गोरखपुर में किया गया है। 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक
स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 प्रारंभ हो जाएगा, तो इस सर्वेक्षण की कार्य योजना बना करके तैयारी कराना, नगर में विशेष सफाई व्यवस्था, नगर को साफ सुथरा रखना, सर्वेक्षण के लिए किन किन बिंदुओं पे बेहतर तरीके से कार्य करना है उसके बारे में सभी नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और सर्वेक्षण में लगाए गए हमारे सभी नगर निगम के साथियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें डिटेल में उन्हें क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम बेहतर अंक ला सकता है, बेहतर स्थान ला सकता है, ताकि हम अपने पिछले बार के स्थान को सुधार करते हुए इस बार फर्स्ट 50 में स्थान बना सकें। ये सर्वेक्षण कुल 4200 से ज़्यादा शहरों में किया जाना है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि 4200 शहरों में से हम प्रथम 50 शहरों में से नगर निगम गोरखपुर का स्थान बना सकें और पिछले बार की अपेक्षा अपनी रैंकिंग में गुणोत्तर सुधार कर सकें, ताकि लोग भी ये महसूस कर सकें नहीं, नगर निगम ने जो कार्य सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उसे करके भी दिखाया है। इसीलिए हम न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि अगले कई चरण में नागरिकों को जागरूक करेंगे। सभी व्यापार मंडल, शिक्षण संस्थाएं, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, होटल, सभी दुकानदारों, स्कूल के बच्चों, बाहर से जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आते हैं उन्हें जागरूक करने का कार्य करेंगे। शहर में कूड़े की स्थिति में सुधार करेंगे, कूड़ा कचरा दूर करेंगे, सभी सार्वजनिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय को साफ सुथरा रखेंगे, पार्कों को, चौराहों को और बेहतर बनाएंगे, कूड़े का निस्तारण कूड़ेदान में कराएंगे और कूड़े को प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसका निस्तारण करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को भी अपील करेंगे कि वो स्वच्छ सर्वेक्षण में हमें सहयोग दें, अपने शहर को साफ सुथरा रखें। विशेषकर बच्चों से, विशेषकर सीनियर सिटीजन से हम आह्वान करेंगे कि वो हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण में जुड़ें, हमारे साथ आएं और अपने शहर को साफ सुथरा बनाएं और शहर को एक अच्छी रैंकिंग दिला के खुद भी गौरवान्वित हों और हमें भी गौरवान्वित करें। धन्यवाद।